गरियाबंद के रावड़ सिंघी के ग्रामीणों ने पंचायत मार्ग पर रपटा नहीं बनने पर चुनाव का बहिष्कार कर दिया। साथ ही ग्रामीणों ने मिलकर एसडीओ भूपेंद्र साहू को ज्ञापन भी सौंपा है। बताया जा रहा है कि रावड़ सिंघी के ग्रामीणों ने पंचायत मार्ग पर रपटा नहीं बनने पर चुनाव बहिष्कार की बात कही थी, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल सक्रिय होकर तहसीलदार को गांव का निरीक्षण करने भेजा। तहसीलदार की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने अपना आवेदन लेकर अनुविभागीय अधिकारी भूपेंद्र साहू से भेंट की है। वहीं अधिकारी भूपेंद्र साहू ने ग्रामीणों की समस्या को जायज ठहराते हुए चुनाव के बाद इस मामले में राहत देने की बात कही, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने चुनाव बहिष्कार के फैसले को वापस लिया है। हम लोग आज एसडीएम साहब से मिले। गोंदली नाला जो विगत 20 वर्षों से रपटा टूटा हुआ है, गाँव वालों को बहुत असुविधा था, तो हम लोग गाँव वाले ने ये निर्णय लिया कि इस बार हम लोग मतदान से अनचित रहेंगे, मतदान नहीं करेंगे। लेकिन आज हमने एसडीएम साहब के पास आया और अपनी बात को रखा तो साहब ने हमें पूर्णतः संतुष्ट दिलाया कि आपका कार्यवाही हो रहा है, आप मतदान में भाग ले दिए, एक जागरूक नागरिक होकर अपना प्रजातंत्र में भागीदारी दीजिए। और हमें पूर्णतः संतुष्ट दिलाया गया और हम लोग संतुष्ट हैं उनके बातों से कि पुल हमारा बनेगा। हम रावण सिंह जी से कुछ ग्रामीण आए हुए थे, उनकी मांग थी कि जो उनके गाँव में पहुँच मार्ग है, बीच में नाला पड़ता है, वहाँ पर पुलिया निर्माण किया जाए। और इसके लिए अनेक बार उन्होंने आवेदन भी दिया हुआ है, तो तत्संबंध में उनसे उनका जो समस्या था उसको संज्ञान लिया गया और उनको जो कार्रवाई की गई है अपने शासकीय विभाग द्वारा उस संबंध में उनको बताया गया है और जो उच्च कार्यालय है उनको इस संबंध में अवगत भी करा दिया गया है। निश्चित रूप से आचार संहिता के बाद जो है इस पर कार्रवाई करेंगे।